प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूँ। आज मैं आपसे एक भारतीय मसीही महिला के बारे में बताना चाहता हूँ। वो है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई एक भारतीय मसीही सामाजिक सुधारक है। पंडिता रमाबाई का जन्म कनरा नामक एक छोटा सा गांव में कर्नाटका राष्ट्र में हुआ था। वो 23 अप्रैल 1858 में पैदा हुए थे। वह एक मराठी उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। उनके पिताजी आनंद शास्त्री, जो संस्कृत के विद्वान थे, उन्होंने घर पर ही पंडिता रमाबाई को संस्कृत सिखाया। 12 साल की उम्र में 18,000 श्लोका बोलने लगी। साल 1876 से लेकर 1878 तक दक्षिण भारत में बड़ा अकाल पड़ा और उस समय रमाबाई के माता पिता मर गए और 16 साल की उम्र में रमाबाई अनाथ हो गई। पंडिता रमाबाई और उनके भाई श्रीनिवास ने संस्कृत गात्रों का पाठ करते हुए सारे भारत देश की यात्रा की। कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा पंडिता रमाबाई को बुलाया गया और उनकी संस्कृत भाषा की ज्ञान को देखकर वहां सरस्वती के नाम से पंडिता की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये भारत देश की पहली महिला है जिन्हें पंडिता के नाम से सम्मानित किया गया है। रमाबाई ने एक बंगाली वकील विपिन बिहारी मेदवी से शादी किया। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने मनोरमा रखा। 1882 में रमाबाई का पति बीमार के कारण मर गया। तब रमाबाई का उम्र केवल 23 वर्ष था। हालांकि वहाँ हिंदू धर्म परंपराओं को जानती थी, लेकिन उसने अपने जीवन में शांति नहीं पाई। वहाँ अपने जीवन की वजह से बेचैन और वहाँ भारतीय महिलाओं के जीवन को बदलने के लिए कुछ करना चाहती थी। उसी समय भारत देश में बाल विवाह, सती और लड़कियों को देवदासियों की तरह घर में ही रखना और पुरुषों के द्वारा स्त्री समाज में, अपने जीवन में, हर विषय में स्त्री का पात्र भारत देश में बहुत नीच था। इसे देखकर रमाबाई सोचने लगी कि मैं भारतीय स्त्रियों के जीवन को बदलना चाहती हूँ। उस समय के दौरान पंडिता रमाबाई को एक स्कॉलरशिप मिला ताकि इंग्लैंड जाकर पढ़ाई कर सके। पंडिता रमाबाई इंग्लैंड को गई और वहाँ पढ़ाई करते समय उन्होंने यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जाना और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। वह चाहती थी कि यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा मैं भारत देश की महिलाओं के जीवन को बदलना चाहती हूँ। साल 1893 में पंडिता रमाबाई पुणे शहर को पहुँची और भारत देश की महिला जो पुरुषों के द्वारा धोखा खाकर अपने जीवन में बेचैन है और जो स्त्री विधवा थे उनको शिक्षा देने के लिए उन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना किया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि महिलाओं को शिक्षा और बाल्य विवाह के उत्पीड़ना से मुक्ति दिलाए। साल 1889 में पंडिता रमाबाई ने पुणे शहर से 40 मील दूर में केड़गांव में मुक्ति मिशन को स्थापना किया। इस मिशन का नाम बाद में पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन रखा गया। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को पढ़ाकर, उन्हें आवास देकर, उनकी पालन पोषण करके उन्हें समाज में एक अच्छे व्यक्ति की तरह निर्माण करने में उनकी मदद करती है। यही नहीं, कई विधवाओं को प्रशिक्षण देकर उनके जीवन में अपने खुद की हाथ की कमाई से जीने के लिए पंडिता रमाबाई ने इस मिशन को स्थापना किया और उचित रीति से वैद्य सेवाएं इस मिशन के द्वारा उन्होंने दिया। जो महिला और बच्चे आंखों से नहीं देख सकते थे उनके लिए उन्होंने मुक्ति मिशन को स्थापना किया और उसके द्वारा उनकी पालन पोषण किया और बच्चों को पढ़ाने के लिए ब्रेली के द्वारा मदद किया। पंडिता रमाबाई के प्रसिद्ध पुस्तक ये है, द हाई कैस्ट हिंदू वुमेन और पंडिता रमाबाईस अमेरिकन एनकाउंटर। ये दो उनके प्रसिद्ध पुस्तक है। पंडिता रमाबाई ने मराठी भाषा में बाइबिल की अनुवाद किया। पंडिता रमाबाई हर समय भारत देश और पूरे संसार के
नामधारी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करती थी ताकि वो भी अपने जीवन में मजबूत होकर दूसरों के लिए काम में आए। पंडिता रमाबाई कहती थी कि मसीह को बातों से नहीं, लेकिन हम अपने जीवन के द्वारा और कामों के द्वारा हम दूसरों को उसकी परिचय करना चाहिए। मसीह ही बातों की जीवन नहीं है, लेकिन कामों का जीवन है। परमेश्वर ने पंडिता रमाबाई के सेवकाई को आशीष दिया। मुक्ति मिशन आज भी अनाथ बच्चों और विधवाओं के बीच में इनकी सेवकाई आगे बढ़ रही है। साल 1922 5 अप्रैल को सेप्टिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी से पंडिता रमाबाई की मृत्यु हुई। पंडिता रमाबाई 64 साल में मर गई, लेकिन उनके द्वारा स्थापना किया हुआ मुक्ति मिशन आज भी परमेश्वर की दया से आगे बढ़ रहा है। साल 1989 में भारत देश ने महिलाओं के प्रति पंडिता रमाबाई का समर्पण को पहचान कर उन्हें सम्मानित करने के लिए एक डाक टिकट जारी किया। हम इस महान भारतीय सामाजिक सुधारक पंडिता रमाबाई के जीवन के द्वारा सीख सकते हैं कि हम अब परमेश्वर के राज्य को सिर्फ बातों से ही नहीं, लेकिन अपने कामों से भी हम स्थापना कर सकते हैं। जय मसीह की। अब तक आपने पंडिता रमाबाई के जीवन के बारे में सुना है। इनके जीवन के द्वारा मुझे बाइबल में से एक वचन याद आई है, वो है, विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो वह अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जी हाँ, हमारा विश्वास जो मसीह में है, और हमें कर्म भी दिखाना चाहिए। यदि हम कहते हैं कि मुझे विश्वास है और दूसरा कहता है कि मुझे कर्म है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। विश्वास रहना चाहिए और हमें उसे अपने कर्म के द्वारा यानी अपने कामों के द्वारा भी दिखाना चाहिए। मसीह ही कहने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन उसे जब हम जीवन में जीकर दूसरों को दिखाते हैं, तभी हम यीशु मसीह की प्यार को दूसरों को बांट सकते हैं। पंडिता रमाबाई के जीवन के द्वारा हम ये सब देख सकते हैं कि उनके जीवन में विश्वास और कर्म दो भी काम किए। यदि आपने इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है, तो ज़रूर लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके दोस्तों और मेहमानों को शेयर कीजिए, और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं हमसे, तो ज़रूर आप हमें lordshouse7936@gmail.com पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम हर एक वीडियो जो बना रहे हैं उसके पीछे बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा, उसकी ज्ञान और बोध से हम इस सेवकाई को कर रहे हैं। यदि आप इस सेवकाई के द्वारा प्रेरित हुए हैं, तो आप भी आपकी प्रार्थनाओं में हमें याद कीजिए। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा आपके साथ मिलेंगे। धन्यवाद।